अस्सलाम वालेकुम अहबाब, उम्मीद है आप सब लोग होंगे ठीक। मैं भी ठीक हूँ। काफ़ी दिनों के बाद दोबारा व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। तो जनाब आज के व्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है। आज का जो व्लॉग मैं जो है इसे शुरू कर रहा हूँ ना, वो जब आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। वैसे तो आपको पता चल गया था हम नेल से, तो अभी हम जो है ना निकल रहे हैं लाहौर के लिए। इंशाल्लाह 14 अगस्त सेलिब्रेट करेंगे आपके साथ, आप सब भी साथ होंगे इंशाल्लाह। थोड़ी देर में हम लोग आपको जो है ना लाहौर में मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, फाइनली हम लोग लाहौर पहुंच चुके हैं और अब हम आए हुए हैं दाता साहब ज़ियारत करने के लिए। इंशाल्लाह ज़ियारत करते हैं और आपको भी ज़ियारत करवाते हैं, आप हमारे साथ साथ रहिएगा। अच्छा जी, फाइनली दाता साहब की ज़्यारत करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं। अब हम चलते हैं भी पाक दामन, वहाँ जाकर ज़्यारत करते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह जो आगे की रूटीन बनेगी वो भी फिर आप देखते रहिएगा। चलें तो जनाब ज़ियारत हमने कर ली और अब हम लोग निकल चुके हैं मीनार पाकिस्तान की तरफ। इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है, आप हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अच्छा जी, आज़ादी चौक हम उतर चुके हैं और अब चलकर अंदर देखते हैं मीनार पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है, कितना कुछ लोग हैं। वैसे तो आपको नज़र आ रहा है काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, आगे चल कर देखते हैं। अच्छा जी, लोगों की सूरत हाल आप लोग देख सकते हैं। इस वक्त हम अंदर आ चुके हैं लेकिन मीनार पाकिस्तान के दरवाज़े बंद हैं, फैमिलीज़ को अलाउ किया गया है। ये आप देख सकते हैं पुलिस आई खड़ी है और लोगों को के ऊपर ना टॉर्चर किया जा रहा है और लोग जो है ना मुसलसल अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शायद आज अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, हो सकता है कि हमें कल लाना पड़े घूमने के लिए। तो देखते हैं आगे क्या बनता है। फाइनली जनाब 15 अगस्त को हम लोग पहुंच चुके हैं मीनार पाकिस्तान। कल तो आपको दिखाया था कि दरवाज़े बंद थे, तो आज घूमते हैं और आपको भी साथ घुमाएंगे इंशाल्लाह, बहुत मज़ा आने वाला है। तो अभी जो सारा माहौल है ना वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, साथ साथ रहिएगा। अच्छा जी, काफ़ी लोग आए हुए हैं आज भी, कल जो लोग अंदर नहीं आ पाए थे वो आज आए हुए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये लोग खड़े हुए हैं किश्ती पर बैठने के लिए, टिकट्स ले रहे हैं और इसके बाद कश्ती पर बैठकर एंजॉय करेंगे। तो हम भी देखते हैं, हम कश्ती पर तो नहीं बैठेंगे लेकिन हम ये जो सारा एरिया इधर कश्ती मतलब घूमेंगे तो उसको देखकर एंजॉय करते हैं। वो आप देखें कश्ती आ रही है जी, माशाल्लाह बहुत प्यारा व्यू है यहाँ का, तो लोग कश्ती पर एंजॉय कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं।
अच्छा जी, अब हम लोग अंदर जा रहे हैं मुग़ल ख़ानदान की बाकियात देखने के लिए। तो अंदर चल कर देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। वैसे तो पहले भी देखी हुई है, लेकिन दोबारा देख लेते हैं आज और आपको भी दिखाते हैं। तो अंदर चलते हैं, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है। तो व्लॉग के साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा।